नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश। मेरा नाम है वसीम अकरम और छोटी काशी। छोटी काशी की पहली सीरीज में हमने आपको शिव मंदिर के दर्शन कराए, उसके बाद हम लोग पार्ट टू में अब आ चुके हैं बाबा भूतनाथ के मंदिर में। अब आपको मंदिर के अंदर ले चलेंगे, मंदिर के दर्शन कराएंगे और मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। चलिए मेरे साथ। हम लोग मंदिर के अंदर मौजूद है और यहाँ के महंत प्रमोद गिरी जी से बात करते हैं कि ये मंदिर कैसे स्थापित हुआ। ये भूतनाथ बाबा का मंदिर है जी। यहाँ की मान्यता यह है कि भोलेनाथ के बाद जो भूतनाथ के दर्शन करता है उसका ही परिक्रमा पूर्ण होता है। ये स्थान गोकर्ण ग्वाला जी का है। हाँ, जो अवतार मतलब जिनके हाथ में शिवलिंग दिया गया था वहाँ पर प्रस्तुत कर दिया था। उसके बाद जब आए थे तो इसी कुएं में जो है गिर गए थे, हमारे बुजुर्ग ये बताते हैं। जब वो वहाँ से आए थे तो इस कुएं में गिर गए थे। इसीलिए इस कुएं की मान्यता है जी। सावन में जो चार सोमवार होते हैं और जो नाग पंचमी के बाद सोमवार पड़ता है वो यहाँ का मेला लगता है भूतनाथ बाबा के नाम से। जी, भूतनाथ मेला यहाँ पे लगता है जो बहुत ही बड़ा मेला होता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस वर्ष वो मेला स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो इस कुएं के बारे में ये जो है भूतनाथ बाबा का कुआं है। ये उस समय जब शिवलिंग रखा गया था उनके हाथ में शिवलिंग देने के बाद ऐसा हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि वाकर इसी कुएं में गिर गए थे। तब से बाबा ने इनको वरदान दिया था महादेव ने कि कलयुग में जो है भूतनाथ नाम से जाने जाओगे और मेरी सेवा के बाद जो दर्शन करेगा उसका छोटी काशी में परिक्रमा पूर्ण होगा। देख सकते हैं कि अगर आप गोला में शिव मंदिर में जाते हैं तो आपका जब तक आप यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक आपका परिक्रमा पूर्ण नहीं होगा। भूतनाथ मनोकामना मठिया है, इसके अंदर जो श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना लिखते हैं, बाबा उनको पूरी करता है। ये मनोकामना मठिया, चलिए आपको ले चलते हैं इसके अंदर। ये बाबा जी का स्थान है, ये अभी जल्दी में ही बना है। 8-10 साल इसको हमारे भक्त ने बनवाया था।